मेरा नाम अरविंदर कौर है, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर जसवीर सिंह बहुत अच्छे से एजुकेशन दी उन्होंने और हिम्मत से रहना सिखाया, किसी से दब के डर के नहीं रहना बिल्कुल भी, सही को सही गलत को गलत। हेल्प करो हमेशा गरीबों की, जब हमारे में भगवान ने दी है हैसियत दूसरे की हेल्प करने के लिए तो करनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को बोलना चाहूँगी कि मतलब जैसे जॉइंट फैमिली चली आ रही है ना, ऐसे ही मिलजुल के रहे। मेरा जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब। मेरे फादर जसवीर सिंह हेडमास्टर रिटायर्ड रहे हैं, मदर हाउसवाइफ रही हैं सुरजीत कौर। हमें हमेशा बेटों की तरह रखा है, परवरिश में भी हमेशा बेटों की तरह पाला उन्होंने, बेटी समझा ही नहीं कभी। जो हमने चाहा, मतलब जो होता है कि बेटे को मिलता है, वो सब हमें मिला, हमें लगा ही नहीं कभी, ऐसे फील नहीं हुआ। मतलब माता जी से बहुत डांट खाई है काम को लेके, कि उन्हें लगता था कि बेटियां हैं अगले घर जाएंगी, ये काम सीख लो वो कर लो, ऐसे उनसे तो कई कामों में डांट खाई है, बहुत कामों में। और हम छह बहनें ही बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन का नाम बलजीत कौर, उनके हस्बैंड मतलब मेरे जीजा जी वो ही हैं, यही फार्मर हैं, खेती करते हैं। छोटी सिस्टर हैं जो मेरी, वो उससे छोटी हैं, जो वो भी खेती करते हैं, और उनसे छोटी हैं मतलब मेरे से बड़ी तीसरे नंबर की, वो उनके हस्बैंड वेयर हाउस ग्रामों में मैनेजर हैं, अभी रिटायर्ड हुए हैं वो। और चौथे नंबर की मैं होगी, पाँचवें नंबर वालों का अपना बिजनेस है उनका, और छठे नंबर वालों का भी अपना काम है उनका। मैं थोड़ी सीधी रही हूँ, मतलब जैसे और बहनों से मैं थोड़ी शांत स्वभाव की थी, कि जैसे मेरे पिताजी हमेशा ही कहते थे कि ये जैसे ये हमेशा चुप रह के सुन लेती है और सारी इसे दबा लेती हैं, मतलब कई बातें ऐसे याद आती हैं मुझे, मतलब उनकी। नर्सरी टू थर्ड तक मैं एक स्कूल में पढ़ी, कांशीराम मॉडल हाई स्कूल, और थर्ड से मैं टेंथ तक साई निकेतन पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ, और फिर वो टेंथ तक ही था। फिर 11th 12th मैंने की कुराली से, और जबकि मेरा फिर 12th में ही मेरी शादी हो चुकी है, शादी हो गई। यहाँ शादी के बाद मैं 15-16 दिन रह के फिर मैंने अपनी क्लास कंप्लीट करके फिर आई मैं शादी के बाद, मैंने 12th शादी के बाद किया है। फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, मतलब एक तरह का मस्ती करने जाते थे, ऐसा लगता था कि घर से छुटे हैं तो मौज लेने के लिए, बस ऐसे ही 11th 12th मैंने ऐसे किया है। मेरी शादी 91 में हुई है, हस्बैंड का नाम महेंद्र पाल सिंह एडवोकेट, और दो बच्चे हैं, बेटी का नाम रजनदीप कौर है और बेटे का नाम करणदीप सिंह है। दोनों DPS से पढ़े हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से, और बेटे ने BTech किया है दिल्ली IIT से, बेटी ने DU से दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश से MA किया है, इंग्लिश ऑनर्स। बेटी की तो अभी साल भी नहीं हुआ शादी को, एक साल होने वाला है 1 नवंबर को, बट अभी बच्चा तो कोई है नहीं। उनके हस्बैंड जिम ट्रेनर है। मेरी बेटी के हस्बैंड का नाम ललित शर्मा है। जॉइंट फैमिली वहाँ भी बड़ा परिवार था, जहाँ घर से आई मैं, 6 बहनें माता पिता, और आगे फिर जॉइंट फैमिली थी, जेठानी थी, उनके 2 बच्चे भी थे। अच्छा था, मतलब घर में काम ही बहुत होता था, बिजी रहते थे, लेकिन सास ससुर बहुत अच्छे थे। ससुर का नाम सरदार भाग सिंह जी था और सास का नाम जगीर कौर था। ससुर बहुत एक्टिव, मतलब वो मतलब हमें बहुएं नहीं समझते थे, बेटी बना के लाए, बोल हमेशा जैसे बेटियों के साथ रहते हैं ऐसे रहे वो हमारे साथ। पढ़ाई को लेके उनका बहुत अच्छा सपोर्ट था, वो बहुत कहते थे कि आगे पढ़ो पढ़ो, मैं पढ़ नहीं पाई, फिर आगे पढ़ी नहीं, बेटी होगी तो उनका फिर रहा कि नहीं कोई किसी ने ड्राइविंग आनी चाहिए, तो मतलब मेरे हस्बैंड से बोले कि इसे ड्राइविंग सिखाओ, हमें पता है ये सीख लेगी, तो उन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखवाई, जो कि आज मैं बहुत परफेक्ट हूँ ड्राइविंग करने में।
बहुत मतलब एक्टिव थे वो, मतलब इन चीज़ों को लेके बड़े फ्रैंक थे कि घूमो फिरो, अपने साथ भी लेके जाते थे वो, रोटरी के मेंबर थे, रोटरी के मीटिंग्स में लेके जाते थे वो। मदर इन लॉ बहुत सीधी थी, मतलब काम या बच्चे पालने में बहुत अच्छे से, बहुत मतलब जैसे उन्हें लगता था कि घर के काम करो और फ्री अपना आराम से रहो, कुछ ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा ऐसे कुछ नहीं, ठीक बहुत अच्छे से रही हैं वो। हस्बैंड का बहुत रहा है, उन्होंने मुझे हमेशा अपने साथ रखा है, खूब सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। वैसे उनकी वैसे बिजी लाइफ ज़्यादा रही है और मुझे अपने बच्चे देखने होते थे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ट्यूशन छोड़ना लेके आना, स्कूल ले जाना छोड़ना, ये सारे काम मेरे थे। यहाँ तक कि मतलब एक साथ बच्चे पले बड़े हैं, अब तो शादियाँ हो गई उनकी जेठ के बच्चों की, उनको भी छोड़ने जाना है, लेने जाना है, ट्यूशन छोड़ना है, सारी मेरी जिम्मेवारी थी। वो देवर मतलब बहुत अच्छे से रहे हैं साथ, बहुत आज भी वो बहुत अच्छे हैं, मतलब उन्हें लगता है कि मतलब कि एक एक्टिव भाभी यही है, मतलब हम चार देवरानी जेठानी हैं, चारों में मतलब मुझे वो मेरे मुंह पे ही बोलते हैं कि सबसे ठीक और अच्छा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छे से रहे हैं मिलके। जैसे हम बहने बहने थी, कभी उन्होंने समझा ही नहीं कि मेरी बेटियाँ मेरे बेटों से बढ़ के हैं, मतलब ऐसे थे वो। और हमें बड़े बहुत अच्छे से एजुकेशन दी उन्होंने और हिम्मत से रहना सिखाया, मतलब कि किसी से दब के डर के नहीं रहना बिल्कुल भी, सही को सही गलत को गलत। माता जी से तो बस यही कि घर का काम करना है, बस किसी के आगे बोलना नहीं है, हमेशा बोलती थी एक चुप सौ को हराती है, कि बस चुप रहना है, कुछ भी हो घर तभी चलता है चुप रहना है। मेरे पापा मेरे डैडी, उन्होंने मतलब पढ़ाई के लिए बहुत कहते थे वो कि हमेशा कि नहीं आप इंटेलिजेंट हो, आप पढ़ सकते हो, कर पढ़ाई करो। और उन्होंने मतलब मेरी शादी जैसे मेरी कम एज में होने वाली थी तब भी वो रोक लगा रहे थे कि नहीं इतनी जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए, बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ना चाहिए। डट के हिम्मत से बहुत हिम्मत से काम लेती हूँ मैं डरती कम हूँ, बस ये सोच के करती हूँ कि जो होना एक बार होना है, देखी जाएगी, गलत कुछ करते नहीं। डेली 4:30 उठती हूँ और वॉक करके आई, आके 6 बजे घर, और अपना चाय पीती हूँ आते ही, जैसे एनर्जी वेस्ट करके आती हूँ तो आते ही चाय पीती हूँ पहले, फिर थोड़ी देर टीवी भी लगा के कीर्तन चलता है गोल्डन टेम्पल से लाइव, वो देखते हैं थोड़ी देर, फिर मेड आ जाती है उसके साथ सफाई में हेल्प करवाती हूँ, कपड़े चला लिए ये वो बस, और फिर अपना थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ 10 बजे से 11-12 बजे तक, फिर लंच करती हूँ, अब इस टाइम से फिर वही चाय पानी, फिर डिनर। डट के मुसीबतों का सामना करना चाहिए, बस यही परिभाषा है। बहुत ज़्यादा बहुत घूमती हूँ मैं बाहर, सब जगह, इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया, सब जगह जाया ही मैं, एम्स्टरडैम, मैं अभी हाल में ही वैष्णो देवी गई थी और शिरडी भी जाया ही हूँ, गोल्डन टेम्पल, और यहाँ के एरिया के जितने मंदिर हैं दिल्ली वैली में सब घूम आई हूँ। बंगला साहब गुरुद्वारे जाते रहते हैं दिल्ली, ज़्यादा वहीं जाती हूँ बंगला साहब। बहुत शौक है, मूवीज़ देखती हूँ मैं और गाने सुनती हूँ, रेडियो पे भी सुनती हूँ, मोहम्मद रवि और लता मंगेशकर के सॉन्ग ज़्यादा सुनती हूँ मैं, पसंदीदा एक्टर तो अक्षय कुमार है, वैसे तो सलमान खान भी है। धार्मिक बस बुरा किसी का करते नहीं, यही सोच के चलते हैं, गुरुद्वारे चले गए तो माथा टेक आए, वैसे कुछ नहीं कि स्पेशली जाना ही है या हर टाइम पूजा में लगे रहना है, वो कुछ नहीं करती मैं, वो भी मुझे मेरे बच्चों से ही हुआ है, बच्चों ने ही बताया कि ऐसे कुछ नहीं होता कि हर टाइम गुरुद्वारे जाके बैठे रहो और करते रहो, मन में पाप हो, चोरी चकारी, झूठ बोलो, ये सब नहीं होता, अगर यही नहीं करोगे तो मान लो आप भगवान का नाम ले रहे हो। एनर्जी बहुत है मेरे एनर्जी की कमी नहीं है सच,
मतलब मैं डेली, आप मानोगे नहीं, 4:30 उठती हूँ, 5 बजे मैं वॉक पे जाती हूँ। आज से नहीं, ये मेरा रूटीन 20 साल से है। 20 साल हो गए मुझे रेगुलर 5 से 6 रनिंग करके आती हूँ, 6 बजे से अपनी फैमिली देखती हूँ और फिर मतलब मेड आ जाती है, उसके साथ बराबर सारा काम करना, फुल मतलब पूरा घर परिवार देखना। इनर व्हील सेम रोटरी वाले ही काम करता है। आज से 5 साल पहले मेंबर थी मैं, 5 साल पहले। इनर व्हील सोशल सर्विस है, वही सेम ब्लड डोनेशन कैंप लगाना और जैसे किसी गरीब की हेल्प करना। हमने मतलब 1-2 गरीब लड़कियों की शादियां भी करवाई, और गरीब एक मेड है हमारी, उसकी बेटी का ऑपरेशन होना था, वो फ्री इलाज कराया अच्छे हॉस्पिटल से, नवीन हॉस्पिटल से। ऐसे करके बहुत काम किया। आई कैंप लगते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो मैंने भी किया है, 2-3 बार कर चुकी हूँ मैं भी। मुझे आगे का सपना मेरा है कि मेरे बेटे की बहू बड़ी अच्छी सी सुंदर, मेरे जैसे एक्टिव आ जाए, बस ये सपना है मेरा बहुत बड़ा। मतलब जैसे मैं फैमिली में हूँ, मैं खुद हूँ, या जैसे मेरी बेटी है बहुत एक्टिव है, सेम ऐसी बहू चाहती हूँ मैं, ये सपना ही है। मतलब अभी जब तक आ नहीं जाती वो, पहले तो पेरेंट्स का था, फिर आके यहाँ पे ससुर का बहुत सपोर्ट रहा, अब हस्बैंड का, बच्चों का भी बहुत है, बेटी का बहुत ज़्यादा है। युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा नशे की तरफ बहुत जा रहे हैं बच्चे, तो उन्हें नशे की तरफ ना जाएं, यही मैसेज देना चाहूँगी मैं। जो अपनी ओरिजिनल लाइफ है उसी को ही जीना चाहिए, हेल्प करो हमेशा गरीबों की, यही मैसेज देना चाहिए। मतलब जब हमारे में भगवान ने दी है हैसियत दूसरे की हेल्प करने के लिए, तो करनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को बोलना चाहूँगी कि मतलब जैसे जॉइंट फैमिली चली आ रही है ना, ऐसे ही मिलजुल के रहें। मैं अपने हस्बैंड को जरूर बोलना चाहूंगी कि मेरी बात जरूर सुने, मतलब जितने मैं पैसे मांगती हूँ 1 मिनट से पहले निकाल के दे दे करें मुझे।